सब्सक्राइब कीजिए सेफ्टी एच को और बेल आइकन का दबाइए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, सेफ्टी एच का स्वागत है। मेरा नाम हलदार प्रजापति। दोस्तों मैं आज का ये वीडियो लाया सिंपल सा रूम हीटर कैसे तैयार कर पाए, क्योंकि ठंडे का मौसम चल रहा है दोस्तों। अपने घर के लिए, अपने रूम के लिए कैसे सिंपल सा रूम हीटर बनाया दोस्तों। ये एलिमेंट जो रॉड जैसे दिख रहा है दोस्तों, आपको मात्र इलेक्ट्रॉनिक दुकान मिल जाएगा 50-60 रुपये दोस्तों। ये 1500 वाट का एलिमेंट है दोस्तों। आपके पास वायर है तो बहुत आसानी से बात कुछ ही पैसे में कुछ ही मिनट में आप बना पाएंगे दोस्तों। इसमें क्या क्या लेंगे आपको सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा और क्या क्या लगते हैं और कैसे कैसे बनाते हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं, खुद से आप बना पाएंगे रूम हीटर सिंपल सा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या क्या लाएंगे, सबसे पहले ये वायर लाएंगे और एक ये एलिमेंट लाएंगे दोस्तों। आपको ये इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर आपको मिल जाएगा, ये रूम हीटर जो आता है उसका एलिमेंट है, ठीक है। ये 1500 वाट का है, ठीक है, आपको इलेक्ट्रॉनिक दुकान मिल जाएगा। उसके बाद ये प्लग एक लगेगा, उसके बाद दोस्तों ये जीवा लगेगा, यानी जीवी बोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आप जो भी समझिए बोलिए, आप सुबह में यूज़ करते हैं इसको, आप जानते ही हैं। उसके बाद दोस्तों ये सिवलिंग पाइप लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग 4 इंच पर ये जीवी को टिक लगा देंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग इसको सीधा कर लेंगे, जहाँ पर टिक लगाया हुआ वहाँ से हम आराम से फोल्ड कर लेंगे दोनों तरफ से, दोनों को सीधा कर लेंगे। उसके बाद दोनों होल को मिला लेंगे, ठीक है कि नहीं, सेम जगह पर है कि नहीं। तो इसका होल इधर उधर भागा हुआ है, प्लास के मदद से हम लोग सीधा कर लेंगे सेम जगह पर। देखिए हमने कर लिया, प्लास के मदद से हम चारों होल को थोड़ा थोड़ा छोटा कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों ये छोटा हो गया है। दो सीलिंग पाइप काट लेंगे वायर में लगाने के लिए। तो देखिए दोस्तों हमने दो पाइप काट लिया। अब दोस्तों हम लोग इस वायर को छील लेंगे वायर कटर से। इसके बाद हम मोड़ देंगे, मोड़ने के बाद इस सीलिंग पाइप को हम लोग तार में डाल देंगे। तो देखिए दोस्तों हमने दोनों डाल दिया वायर में, उसके बाद तार को हट लेंगे दोनों। दोस्तों आपको ये एक्स्ट्रा दो नट लेंगे, ठीक है, आपको ये इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर ये मिल जाएगा। अब इस जो एलिमेंट है इसमें वायर जोड़ देंगे दोनों तरफ। इसको अच्छी तरह से आप ऐड दीजिए, यानी मोड़ दीजिए दोनों तरफ। अब दोस्तों इस जो दिया हुआ है जीवा उसको हम लोग इसमें लगा लेंगे। लगाने के बाद ये नट हम कस लेंगे, उसके बाद प्लास के मदद से हम लोग इसको टाइट कर लेंगे अच्छी तरह से। दोस्तों टाइट कर ले इसको, इधर उधर घूमे ना थोड़ा थोड़ा। ये पूरी जगह पर ये सीलिंग पाइप को घसा दीजिए कि वायर जले ना। और दो वायर छोटा छोटा काट लेंगे, वायर को नीचे की तरफ गोड़ा में ले जाकर जोड़ देंगे कि वायर जले ना, जलने का संभावना ना रहे। उसके बाद दोस्तों हम लोग प्लास साइड लेंगे, प्लास साइड दीजिए और दो फालतू काट दीजिए। देखिए दोस्तों हमने दोनों तरफ वायर को बांध लिया है। अब अपने वायर में प्लग जोड़ देंगे दोस्तों। ये वायर 1 mm का है, ठीक है, आप ध्यान में रखें। इसको खोल लेंगे, खोलने के बाद दोस्तों मोड़ कर वायर को डालेंगे कवर के साथ कि खिंचाए ना प्लग से वायर, खींच कर देख लेंगे कि सही है ना। उसके बाद प्लग में हम लोग कस देंगे। ध्यान रहे नट को चेक कर लेंगे। तो दोस्तों हमारा रूम हीटर अब ये रेडी हो गया है, हम इसको पावर देकर चेक कर लेंगे। दोस्तों ध्यान रहे इसमें आप हाथ ना टच करें, अदरवाइज इसमें भी आपको करंट लग जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हमने पावर दे दिया है, अब ये हीट कर रहा है।
दोस्तों आपको इस तरह दिखाई नहीं दे रहा है कि हिट है कि नहीं हिट है, तो दोस्तों प्लास्टिक का थोड़ा सा टुकड़ा लेकर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, देखिए आप ध्यान से देखते रहिए, हिट है। देखिए दोस्तों ये हीट हो गया है, ठीक है, अब धीरे धीरे ये रेड हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये जो एलिमेंट है रेड हो गया है, ठीक है, ये हीट कर रहा है, ठीक है। रूम हीटर को अपने किसी रूम के कोने में रख दे या कहीं जगह और है तो रख दे या पलंग के नीचे रख दे। दोस्तों ये ध्यान रहे पावर प्लग बोर्ड से आप पावर दीजिए इसको, ये एलिमेंट 1500 वाट का है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाए, नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो इसी तरह जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स। सब्सक्राइब कीजिए सेफ्टी चैनल को, बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सबसे पहले।